हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमके सर इंस्पिरेशन। दोस्तों, हमें सर्दी जुखाम ने तो गिरफ्तार कर लिया है, बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है, लेकिन आज की वीडियो आप तक पहुंचाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए आज ये वीडियो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वीडियो के लिए पिछले कई दिनों से बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे। अब आपकी तैयारी चाहे अच्छे से हुई हो या फिर आप एक वीक स्टूडेंट हैं, देन आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट एक जैसे नहीं होते हैं। किसी की तैयारी बहुत ही अच्छी हुई है तो कोई स्टूडेंट ऐसा है कि जिसकी एक ठीक ठाक तैयारी है, लेकिन बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं जो किसी रीज़न वश, मान लेते हैं कि बीमारी के कारण या कहीं बाहर चले गए थे या घर की स्थिति के कारण उनकी तैयारी अच्छे से नहीं हो पाई है। तो आप सबके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस टॉपिक के लिए पिछले कई दिनों से बहुत ज़्यादा बच्चे बोल रहे थे कि सर इंग्लिश के बारे में बताइए। बच्चों, ध्यान से इस वीडियो को, ट्वेल्थ इंग्लिश के बारे में, ठीक है ना, ट्वेल्थ इंग्लिश के बारे में बहुत ज़्यादा बच्चों के कमेंट आ रहे थे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको पूरा वो क्या है कि किताब पढ़ करके पूरी तरह से उसका अर्थ नहीं निकाल सकते हैं, ना तो उसका आंसर रट सकते हैं। लेकिन कुछ टॉपिक बच्चों इसमें ऐसे हैं जिनको आप बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हो, और लेकिन अगर उन्हीं टॉपिक पर आपने फोकस कर दिया तो आप पास हो जाएंगे। ध्यान से इस हमारी बात को सुनना और वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को बीच से छोड़कर मत जाना, इसमें आपका ही नुकसान होने वाला है। क्योंकि सभी बताते हैं बच्चों कि पढ़ना क्या है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, बस ये क्वेश्चन पढ़ लो, ये क्वेश्चन पढ़ लो, ये क्वेश्चन पढ़ लो, एग्ज़ाम में छाप कर आओगे। लेकिन एक्चुअल में कैसे पढ़ना है और क्या क्या हमें बहुत अच्छे तरीके से तैयार करके जाना है, ताकि हम बहुत ही ज़्यादा वीक स्टूडेंट हैं, बहुत ही कमज़ोर हैं, तब भी हम पास हो जाएं। देखिए, अगर हम बात करें बच्चों, इंग्लिश में हमने वही चीज़ बताया कि बहुत सारे बच्चे हैं उनको पूरा जो लॉन्ग वाला आंसर होता है वो रट नहीं सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल कभी पढ़ा ही नहीं पूरा कोई चैप्टर, कहाँ से रटेंगे। लेकिन कुछ इसमें ऐसे टॉपिक हैं बच्चों, ध्यान से समझिएगा। पहला टॉपिक हम बात करेंगे रसगुल्लों, वो आपका बन जाता है आर्टिकल का। आर्टिकल देखिए, आप इनको बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत करिएगा, क्योंकि आपके ये फिक्स होते हैं। आपको पता है कि अगर आपको पास होना है तो 100 में से कितने नंबर चाहिए, 100 में से 33 नंबर चाहिए अगर पास होना है। लेकिन हमारा टारगेट ये नहीं, हम बहुत ज़्यादा वीक स्टूडेंट के लिए बता रहे हैं कि बस वो कहते हैं सर हमको पास करवा दीजिए, इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा हमें टफ लगती है। ठीक, तो क्या करिए, आर्टिकल पर फोकस करिए। जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं बच्चों, उनको बार 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 आप देख कर लिख कर रिविज़न करिए, और हमने प्लेलिस्ट बना दिया है, उससे सरल आपको कहीं किताब में भी नहीं मिलेगा और कहीं पर भी वीडियो देख लो नहीं मिलेगा। बाकी अभी दो तीन जो आर्टिकल होंगे बच्चों, वो भी हम आपको बहुत ही जल्द बता देंगे, है ना। सीरीज चल रही है इंग्लिश की, अब उसमें भी हम उसको निपटारा उसका कर देंगे। तो ये रसगुल्लों आपका 10 मार्क देकर जाएगा, है ना, ये आपके 10 मार्क्स देगा। और उसके बाद हम दूसरा बात करें, ये पहला आर्टिकल हो गया। कुछ टॉपिक हैं जिनको आपको हर हाल में देखना ही है, उनको छोड़ना नहीं है, फिक्स होते हैं। दूसरा हो गया बच्चों लेटर राइटिंग का, लेटर राइटिंग, ठीक है ना। जो लेटर्स होते हैं बच्चों, ये भी आपके 10 मार्क्स हो गए, है ना, 10 मार्क्स हो गए। उसके बाद अब अगर हम बात करें, इसमें भी ज़्यादा नहीं, केवल 4 या 5 लेटर देख लीजिए, और कौन लेटर देखना है प्ले लिस्ट में जाइए, ट्वेल्थ इंग्लिश इंपॉर्टेंट लेटर हमने प्ले लिस्ट बनाया है, बस उतना बार बार आप छापिए, बार बार रिविज़न करिए, उसके बाहर का मत देखिए, हम फिर से कह रहे हैं। ठीक, आप आराम से इसको तैयार कर लेंगे, ये आपका 10 नंबर दे देगा। उसके बाद बात करें हम बच्चों अनसीन पैसेज पर हमने कल ही वीडियो लाया है, कैसे अनसीन पैसेज को सॉल्व करना है, जा करके वीडियो पहले देख लो, अनसीन पैसेज को कैसे सॉल्व करेंगे। और बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि ये 10 नंबर का टॉपिक है, नहीं ये 15 नंबर में पूछा जाता है। भाई साहब आपके इस, क्योंकि इसमें 5 क्वेश्चन पूछते हैं और एक क्वेश्चन 3 नंबर का, और इसकी खास बात यह है बच्चों, इसका जो क्वेश्चन का आंसर होता है वो क्वेश्चन में ही रहता है,
सॉल्व कैसे करना हमने बताया है, और हम फिर से कह रहे हैं कि इसके हम दो तीन वीडियो और ला देंगे, ताकि अनसीन पैसेज, क्योंकि इसमें रटना नहीं है, कहीं ढूंढना नहीं है, क्वेश्चन में ही आंसर छिपा होता है। तो ये आपके 15 नंबर देकर जाएगा। अब अगर देखिए, आप कुछ नहीं करना, अगर आप देखिए तो ये आपके कितने नंबर बन रहे हैं, तो मोटी हिसाब से भाई साहब 35 नंबर तो आपके इन्हीं तीन टॉपिक से हो गए। इसके बाद किताब में हम बात करें, बस ज़्यादा से ज़्यादा दो तीन चैप्टर का ही देखना है, दो या तीन मैक्सिमम, जो आपका आता है सेंट्रल आइडिया, है ना, सेंट्रल आइडिया आता है ना, जो आपका सेंट्रल आई, सॉरी क्या लिख रहे हैं भाई, सेंट्रल आइडिया वाला, ठीक, जो सेंट्रल आइडिया वाला टॉपिक होता है बच्चों, वो भी कितना, आई थिंक 6 नंबर का आता है, ठीक ना, तो वो टॉपिक भी इस तरह से, यानी केवल 4-5 टॉपिक को आप देख करके अगर एग्ज़ाम में जाते हैं तो समझ लीजिए आपके 40 नंबर तो बस ऐसे ऊपर ऊपर से हो गए। अब बचता है कि जो आपका ग्रामर वाला टॉपिक है, हमने बहुत सारी उसकी वीडियो बनाया है, लेकिन फिर से उसकी हम वीडियो लाएंगे। आपके पास समय नहीं है बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5-2 महीने का समय बचा है, अब आपको ऐसे हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठना है। आप इन टॉपिक को बार बार रिविज़न करिए, क्योंकि इनको आप लिख कर तैयार करेंगे तभी एग्ज़ाम में कुछ कर सकते हैं। ऐसे देख करके कापी में रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा। एक बार, दो बार, तीन बार इसको लिखिए, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, 100% गारंटी लेता हूँ मेरे रसगुल्लों कि आप फेल नहीं होंगे, ठीक। तो आई थिंक ये चीज़ें आपके समझ में आ गई होगी, जो बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर बस इंग्लिश में हमें पास करवा दीजिए। तो पास होने की टेंशन ही नहीं है, आप बहुत ही अच्छे नंबरों से पास होंगे, ये तो हमने बस ऊपर ऊपर का बता दिया। अब ऐसा नहीं, इसके अलावा नहीं करेंगे, ग्रामर के बहुत सारे टॉपिक हैं, उनको भी हम वीडियो लाएंगे। हम आपको 55 से 60 नंबर इंग्लिश में हम आपको दिलवाएंगे, बस ऐसे ही इधर उधर से, ठीक, किताब का छोड़ करके। हाँ, किताब में 1-2 टॉपिक इन्वॉल्व होंगे, वो चीज़ मिलाकर, समझ लीजिए, इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको देखना है इंग्लिश में, ताकि सारा का सारा डाउट आपका क्लियर हो जाए। बस बच्चों, तबीयत ज़्यादा हमारी भी ठीक नहीं, हमने पहले बताया ना, गला एकदम जाम है, जुखाम बहुत ज़्यादा हो गई है। तो अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और बच्चों बहुत ज़्यादा इस चैनल को इतना शेयर कर दीजिए, जल्द ही अपने इस परिवार पे 100K सब्सक्राइबर हो जाएं आप सभी के प्यार और दुआओं से। तो मिलते हैं किसी और ऐसे मज़ेदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।